केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केंद्र के 9 सालों की उपलब्धियों को गिनवाया है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 9 सालों में किए गए विकास कार्यों का बखान किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। अभी 3.5 करोड़ मकान गरीब। अब मैं आपको पूरा परिपेक्ष में बताऊं कि 9 साल से पहले जो कभी सोचा ना था वो भी हुआ, जो कभी सोचा ना था क्या कि अपना पक्का मकान होगा वो भी मिला, जो कभी सोचा ना था रसोई गैस के चूल्हे पे सिलेंडर भी होगा और खाना बनाने को मिलेगा वो भी किया, जो कभी सोचा नहीं था कि अपना शौचालय होगा वो भी मिला, जो कभी सोचा ना था कि सबसे सस्ता डेटा मिलेगा वो भी मिला, जो कभी सोचा ना था बैंक खाता होगा, यूपीआई की डिजिटल पेमेंट्स होंगी वो भी मिली, जो कभी सोचा ना था कि हर घर को नल से जल मिलेगा वो भी मिला, जो कभी सोचा ना था कि धारा 370 हटेगी वो भी हुआ, जो कभी सोचा ना था भव्य राम मंदिर बनेगा उसका निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हुआ। तो जो उस समय हम सोचते नहीं थे वो भी हमने पूरा करवाने का कार्य किया।